हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और ख़ासतौर पर हम बात करें, मेरे पास काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे और जैसा आप जानते हैं कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल साहब भी मतलब काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराए। तो अभी कुछ मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ और ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपके ऐसे कौन से हक हैं जो आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या जिनके लिए आप स्कूल के प्रशासन से या स्कूल का जो स्टाफ है या स्कूल के जो मालिक है उनसे आप बात कर सकते हैं। ये आपके हक हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले, अगर स्कूल का कोई भी व्हीकल आपके बच्चों को लेके जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिससे आपके बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, तो इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं जो स्कूल को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉलो नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले, शिक्षा विभाग के कार्यालय में वाहन की कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए या वाहन में कैसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये शिक्षा विभाग के कार्यालय में होना चाहिए जो वाहन है। ये नहीं कि जैसे प्राइवेट वाहन कोई भी लगा दिया जाता है तो वो अलाउड नहीं होता। सबसे पहले वो पास कराना पड़ता है, उसकी डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती है। ये नहीं कि कोई भी व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल लेके या मतलब कोई भी हायरिंग, आज एक व्हीकल जा रहा कल दूसरा जा रहा, क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं गलत होता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई कैसा ड्राइवर है, कोई कैसा ड्राइवर है, किसी की डिटेल ही वहाँ पर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर उस वाहन का शिक्षा विभाग के कार्यालय में होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स उस व्हीकल में होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि छोटे छोटे कार टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं जिनमें मतलब फर्स्ट एड बॉक्स होता ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी गलत हैं। इसके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई या मतलब उस स्कूल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट भी उस व्हीकल का होना चाहिए। इसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं बच्चों को लेके मतलब व्हीकल्स चले जाते हैं, काफ़ी ऐसे आपने केसेस देखे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए व्हीकल के अंदर अगर नहीं है तो वो मान्य नहीं है और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए ये आपके हक हैं, ये आपको जानने चाहिए। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा उस व्हीकल के अंदर होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे केसेज होते हैं बच्चों के साथ हरकतें की जाती है गंदी गंदी व्हीकल्स के अंदर, या कई बार ड्राइवर कंडक्टर भी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं या बच्चे ही आपस में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। या कोई बाहर से आके कुछ अटैक करता बच्चों पे या किडनैपिंग जैसे कुछ मामले देखे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीसीटीवी कैमरा उस बस के अंदर या व्हीकल के अंदर होना चाहिए। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो भी उस व्हीकल के अंदर होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि 1% जो मतलब व्हीकल हैं उनके अंदर होती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये होते हैं। आप देखते होंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में। इसके बाद कुछ और चीज़ें, हालांकि सेफ्टी के लिए बहुत गलत है क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की सेफ्टी को कितना नुकसान हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल आप देखते होंगे, जैसे अगर बच्चे की फीस रह जाती है तो उस वजह से वो क्या करते हैं, TC या मार्कशीट नहीं देते हैं, तो ये भी एक कानूनी तौर पर गलत है। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो अगर आप स्कूल को फीस नहीं देंगे तो वो टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे, तो ये चीज़ें भी गलत है, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अगर वो फीस नहीं दे पाया तो TC और मार्कशीट स्कूल नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा करता है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को बताई थी, लेकिन आप ये चीज़ें ना करें, ये गलत है। फीस नहीं देने की वजह से बच्चे को क्लास से बाहर करना या बच्चे की इंसल्ट करना, इस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। स्कूल के अंदर कोई भी मतलब पनिशमेंट बच्चे को नहीं दी जा सकती, बच्चे की कोई इंसल्ट नहीं की जा सकती, बच्चे को गलत शब्द नहीं बोले जा सकते, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इससे एक अध्यापक पर या स्कूल का जो स्टाफ है मतलब सॉरी जो स्कूल है उसका जो मालिक है या स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? आपको पता होगा जो स्कूल है
स्कूल एक तरह से क्या है, एक गार्डन है, और अध्यापक क्या है, उसका माली है। जो कक्षा है वो क्या है, एक गार्डन है, और जो अध्यापक उसका माली है, तो उस माली का फर्ज है कि उसे अच्छे से ग्रो करे, ग्रो इन द सेंस ऑफ कि अच्छे से उसे मतलब प्रोस्पर करे, उसे मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ये नहीं कि डांट फटकार के उनको सिखाया जाए। इसके बाद जून जुलाई की फीस के बारे में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो गलत है। जून जुलाई की फीस स्कूल को देनी होगी। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो जून जुलाई की फीस आपके बच्चों की जाएगी, ये गलत है, ऐसा कुछ भी कोई रूल नहीं है। इसके बाद जैसे आपको पता है स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें बच्चों से बोला जाता है कि 500 रुपीज़ आपको लेके आने हैं, इतने रुपीज़ लेके आने हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं देता है पैसे, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी स्कूल मतलब फोर्स नहीं कर सकता बच्चे को कि आपको ये पैसे लेके आने हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स हैं, और जो सबसे पहला रूल है ये काफ़ी देखा जाता है, तो अपनी बच्चे की सेफ्टी के लिए, और ख़ासतौर पर एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे बसेस में जा रहे हैं या किसी भी व्हीकल में जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सीट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे आपके खड़े होकर जा रहे हैं या प्रॉब्लम में हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि आप अपने बच्चे के मतलब किस लिए आप पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा आराम से जाए, आपका बच्चा कंफर्ट में रहे। ये नहीं कि बच्चे, कई बार आप देखते हैं कि मतलब स्कूल के जो व्हीकल्स होते हैं, एक व्हीकल में कितने कितने बच्चे भरे होते हैं, ऊपर से नीचे तक भरे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी गलत हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे हमारे हक हैं जो हमें जानने चाहिए। हमें इनके खिलाफ अगर कुछ गलत लगता है, तो सबसे पहले आप स्कूल के जो मतलब स्टाफ है, स्कूल के जो मालिक हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।